नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ सोशल एंग्जाइटी के बारे में। एक यह मरीज मेरे पास में आया कश्मीर का, करीब करीब 25 साल का लड़का, और खुद होके अकेला एक उसके भाई को लेके आया, खुद होके आया और काफ़ी सारा बोलने लगा। तो उसकी हिस्ट्री मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 25 साल का है और प्राइवेट जॉब करता है, पदवीधर है। यहाँ वो ऐसा लेके आया कि भाई चार लोगों में मतलब घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ऐसा उसको लगता है, और उनके बीच में जाने से डर लगता है। उसको लगता है कि कैसे जाऊंगा मैं, लोग क्या बोलेंगे, उनके जाने के बाद में मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ हंसेंगे क्या लोग, और फिर दिमाग में बहुत टेंशन आता है, काम भी बराबर नहीं करता है। और फिर जब कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ कॉमेंट पास करेंगे, ऐसा उसको लगता है लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो फिर वो लोगों से छिपता फिरता है, मतलब छिपता है मतलब इधर लोग है तो इधर से चले जाएंगा, लोगों को अवॉइड करते रहता है, लोगों में जाएंगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, जहाँ लोग है वहाँ से दूर। उसकी वजह से प्राइवेट जॉब है वहाँ नौकरी ठीक नहीं कर पाता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब उसके शब्दों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, रोने का मन करता है, हीन भावना मन में आती है और मन बहुत उदास रहता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी मैं कर नहीं पाऊंगा, काम में मन नहीं लगना, हर वक्त चिड़चिड़ापन आना, बात बात पे गुस्सा आना और अकेले अपनी दुनिया में रहना, ऐसा उसको लगता है। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, जहाँ पे भीड़ हो या लोग हो वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, ये डर के मारे, मतलब ये ख्यालों के मारे, ये डर के मारे वहाँ जाता ही नहीं, लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, कमेंट पास करेंगे, चिढ़ाएंगे, ऐसा उसको लगता है। फिर लोगों में जाता नहीं है, बाहर घूमने की इच्छा होती नहीं है, इसलिए बाहर जाता भी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं, समारोह नहीं, घर के लोग बोलते चलो बाहर जाएंगे, किसके यहाँ आना जाना, फिर ये किसके यहाँ जाता नहीं तो लोग क्यों आएंगे इसके यहाँ, ये कोई दोस्तों से मिलता नहीं लोग इससे क्यों मिलेंगे, फिर लोग भी इससे मिलते नहीं, फिर उसको लगता है देखो लोग मेरे को अवॉइड कर रहे हैं। सब होने से उसको गिल्टी फील लगता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है और काफ़ी सारे निगेटिव थाट्स आते रहते हैं। अब ये सब होने जाने बहुत टेंशन आता है। फिर उसने सिगरेट पीना चालू किया तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, तंबाकू खाना चालू किया तो मुंह में रखना चबाना तो उसको जरा वो भी अच्छा लगा, फिर कोई बोला उसको कि नहीं तो ऐसा कर बियर ले ले, उससे तेरे को रिलैक्स लगेगा, तो उसने बियर लेना चालू किया। अब बियर रोज लेता है, तंबाकू सिगरेट वो भी लेता है, कि बोलता मेरे को टेंशन आता है और मैं थोड़ा ये लिया तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ ऐसा लगता है उसको। उसका सिर बहुत भारी लगता है और पुरानी पुरानी बातें बार बार याद आना, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, फिर उसने ऐसा करना चाहिए था, उसने वैसा करना चाहिए था, लोग मेरे बारे में क्या बोलते होंगे, इसमें ज़्यादा उसका ख्याल रहता है। फिर कभी कभी छाती में धड़कन बहुत ज़्यादा धड़ हो जाता, घबराहट होती, बेचैनी होती, और फिर काम में मन नहीं लगता, जीवन में कुछ आनंद बचा नहीं है, उसको लगता है कि भाई सुसाइड कर लिया तो अच्छा हूँ। अब ये सब थॉट्स है, ये थॉट्स उसको आते रहते हैं, इसमें खुद होके जब आता है ना आदमी तो हमको ठीक लगता है कि चलो भाई उसको कम से कम इनसाइट है, जब कोई लाता है ज़बरदस्ती पकड़ के फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है, मेरी तरफ दो तरह का इलाज है मेरे पास में, एक है मेरे पास में हिप्नोसिस और काउंसिलिंग, और नंबर दो है दवाइयाँ, और मैं चाहूँगा कि आप दोनों भी ले लो। बोले ठीक है, आप जैसा बोलते हो वैसा। बोले मैं तो वैसा आपके पास में सिर्फ हिप्नोटिज्म के लिए आया था, हिप्नोसिस के लिए आया था, दवाई तो मैंने बहुत ली हुई है, दवाई लिया तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, बाद में फिर वैसे के वैसे होता है। बोले ठीक है, हरकत नहीं, हम हिप्नो काउंसिलिंग भी करेंगे और दवाई भी देता हूँ। उसको मैंने दवाइयाँ दिया, दो दिन में उसको इतना रिलैक्स लगा, हॉस्पिटल में रुका था, इतना रिलैक्स लगा, बोले मुझे कभी इतना रिलैक्स लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत रिलैक्सेशन की दवाई दी, एकदम रिलैक्स लगना चाहिए, दिमाग शांत लगना चाहिए ऐसी दवाई। उसके साथ साथ मैंने उसको हिप्नोसिस की ट्रीटमेंट चालू किया, हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं, हिप्नोथेरेपी के सेशन में देता हूँ, फिर हिप्नोथेरेपी के सेशन देते उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ, मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि तू बार बार सुन ले। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब सिर्फ ऑडियो सुन रहा है तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं ज़्यादा, ऑडियो सुनना है और विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि मैं सोशल सिचुएशन में हूँ, लोगों के सामने हूँ, लोगों से बातचीत करना और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बार बार जब वो विजुअलाइज करता है, ये बार बार जब अफर्मेशन देता है कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है,
कोई भी समस्या का सामना मैं आत्मविश्वास से कर सकता हूँ, लोगों में जा सकता हूँ, लोगों में मिल सकता हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हैं, लोग मेरे से प्यार से बात करते हैं, लोगों के सामने बातचीत करके मैं बहुत मुझे खुश महसूस हो रहा है। ऐसा विजुअलाइजेशन अफर्मेशन रिलैक्सेशन ये उसको दिया। 7-8 दिन में उसको बहुत आराम पड़ा। बोले मुझे तो ऐसा कभी मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है इलाज करके। मैंने बोला ठीक है, अभी आप ये प्रैक्टिस करो, हर महीने में एक बार मेरे पास में आओ, हम एक सेशन लेते जाएंगे और दवाई हम बदल के देंगे, ऐसा कुछ लगा तो। उसकी सोशल एंग्जाइटी निकल गई, काम पे अच्छा कहने लगा। जब 6 महीने बाद में वो मेरे पास में फॉलोअप के लिए और आया, बोले अभी मैंने प्रमोशन ले लिया है, मेरे जो मालिक है वो बहुत खुश है अभी काम से, और मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी मैं शादी भी करने वाला हूँ। बोले ठीक है, बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ऐसा है कि लोग क्या बोलते कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, यूजुअली आसपास के लोग क्या बोलते कुछ नहीं होता, ज़्यादा तू सोचता है, ज़्यादा मन पे लेता है, सोच मत, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है, तू क्या पागल हो गया क्या, इस तरह के लोग उसको दबा देते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाने देते नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प लेने देते नहीं है। अभी ये आया, उसने खुद होकर प्रोफेशनल हेल्प लिया, अच्छा हो गया, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। तो ये संभव है, सोशल एंग्जाइटी का इलाज संभव है। निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फिर ये बार बार विचार आना, नींद नहीं आना, कम से कम 10% लोग ये सब न्यूरोटिक सिम्टम्स से परेशान हैं, मिनिमम 10%, और उनको दवाई की ज़रूरत है, उनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। वो यदि करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव लाइफ जी पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगा। अब आपका ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।